जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। की हाल चाल जी दोस्तों, साथियों, बुजुर्गों, बहनों ते भाइयों, बेटो ते बेटियों। उम्मीद अल्लाह ताला दे हुकम दे नाल इंशाअल्लाह तुसी सारे ठीक होगे। बड़ी मेहरबानी कि तुसी मेरा यूट्यूब चैनल वेख रहे हो, लाइक भी कर दिया करो, सबसक्राइब भी कर दिया करो, शेयर भी कर दिया करो। ये एक किस्म की ताड़ी मुहब्बत आ मेरे नाल जुड़े रहन दी, ते तुसी मेरी इहदे विच हौसला अफजाई भी थोड़ी जिही कोशिश भी कर दिया करो ताकि मेरी थोड़ी हौसला अफजाई हो जाए और मैं मजीद रिसर्च करके कोई अच्छी तो अच्छी जड़ी वीडियो तेरे वास्ते लैके आ सका। अज का वीलॉग असी बनाने हैं माली की मशहूर अदाकारा फिल्मी एक्टर तैयबा बानो, जिन्ह का फिल्मी नाम होंदा नैयर सुल्ताना। नैयर सुल्ताना इन्हों मलका जज्बात के नाँ तो भी पुकारिया जाता। मलका जज्बात इसलिए इन्हू कहिंदे सी कि इन्हू जिहड़ा भी रोल दिता जांदा सी उस रोल दे किरदार दे विच इस तरह ढल जांदियां सी कि वह बंदे नू इस तरह लगता सी कि यह हकीकत आ। मसलन अखां दे विच कई बंदे मसलन जे हंझू नहीं आते तो मिर्चां पा लैणियां, फिर उस रोल नू करना हंझू डिगणे, ते लेकिन ये इस तरह नहीं सी करदियां। ये इस तरह करदियां सी कि जिहड़ा भी को हंझुआ वाला भी मसलन को रोल इन्हू मिलेगा ना किरदार, उहदे विच सच्ची मुच्ची अपने आप नू इस तरह ढाल लैंदियां सी कि हकीकत बिल्कुल हकीकत आ। ते वह आंसू जिहड़े सी हंझू इस तरह लगते सी कि बिल्कुल असली आ और असली हंझू सुटदे हुंदे सी। इस वास्ते इन्हू मलका जज्बात का नाम दिता गया। नैयर सुल्ताना 4 मार्च 1937 नूं इंडिया के शहर अलीगढ़ दे विच पैदा हुई। इन्होंने तलीम अपनी अलीगढ़ वोमैन यूनिवर्सिटी जो हासिल की, जिस वेले 1947 पाकिस्तान बन गया तो फिर कई मुसलमान लोग हिजरत करके पाकिस्तान आ गए। इन्हां दी फैमिली ने भी फिर हिजरत की, कराची दे विच आके आबाद हो गई। जिस वेले कराची दे विच आबाद होई तो इन्हां दा तलक जिहड़ा सी ना अहमद कमाल पाशा जिहड़ा सी उहदी बेगम शमीम बानो, वह इन्हां दी रिश्तेदार सी। तो फिर जहर जिस वेले बंदा रहिंदा तो फिर आपस में सलाह तो बनाते हैं, चलो यार फलां रिश्तेदार दे अज घर चलते हैं, फलां दे घर चलते हैं। इन्होंने भी एक दिन प्रोग्राम बनाया कि लाहौर चलीए तो शमीम बानो नूं मिल के आईए जिहड़ी इन्हां दी रिश्तेदार हुंदी आ। शमीम बानो अनवर कमाल पाशा जिहड़े बहुत उस दौर दे बहुत मशहूर मरूफ हदायतकार प्रोड्यूसर सी, उन्हां दी बीवी सी। जिस वेले ए अनवर कमाल पाशा दे घर शमीम बानो नूं मिलन वास्ते उन्हां दे घर जांदे ने, ते जिस वेले अनवर कमाल पाशा इन्हू वेखदे ने नैयर सुल्ताना नूं कि यह बहुत कामयाब होएगी फिल्मां तों, क्योंकि जिहड़ा बंदा हुंदा वह पहली नज़र च ही वेख लैंदा कि यह कामयाब हो सकती या नहीं। तो उन्हें वेख्या कि यह फिल्मों के विच बहुत अच्छी अदाकारा और कामयाब हो जाएगी, तो उन्हें उन्हों नैयर सुल्ताना नूं अनवर कमाल ने आफर की कि तू फिल्मों के विच काम कर। तो लिहाजा उन्हें फिर अपने वालदैन नाल मशवरे तो बाद उहदे वालदैन ने मशवरा किया, वालदैन ने फिर इजाजत देती फिल्मों च काम करने की। सब तो पहला अनवर कमाल पाशा ने अपनी फिल्म कातल दे विच इहनूं छोटा जिहा नैयर सुल्ताना नूं रोल दिता गया। इहदे विच उहदा नाम हुंदा नाज़ली। ये फिल्म मुसर्रत नज़ीर ते असलम परवेज की पहली फिल्म यानी पहली फिल्म हुंदी आ। ते इहदे विच असलम परवेज का किरदार जिहड़ा हुंदा ज़िया हुंदा। ते ये फिल्म दी शूटिंग करा के जिस वेले मुकम्मल हो जाती है तो वापस कराची चले जाती है। इन्हू नहीं पता हुंदा ये फिल्म कामयाब हुंदी आ या फेल हुंदी आ, इहदे दिल च यही हुंदा ये फिल्म फेल हो जाएगी। लेकिन उस तो बाद इन्हू बाद दे विच पता चला कि इहदा फिल्म बड़ी कामयाब हो गई, हिट हो गई। जिस वेले फिल्म हिट हुई तो इन्हें इंडस्ट्री दे विच अपना एक नाम बना लिया, इंडस्ट्री दे विच इन्हू सारी दुनिया जानन लग पई। उस तो बाद इन्हू फिर फिल्मों की धड़ाधड़ पेशकश शुरू हो गई, कोई कहिंदा मेरी फिल्म चाह, कोई कहिंदा मेरी चाह। तो उस दौरान पेची फिर एक फिल्म मिर्जा हमायों की आँदी आ इंतखाब, ये भी इन्हू एक छोटा जहा रोल
दिता गया, वह भी इन्हें बड़े अच्छे तरीके ना निभाया। 1960 के यदि फिल्म आती है सहेली, वो फिल्म जी सहेली होंगी है ना, वो पहली दफा इन हिरवन लिया गया दर्पण के नाल, तो ये फिल्म भी फिर बड़ी कामयाब हुई। ये शमी महाराज ने भी बहुत अच्छा रोल अदा किया। तो ये नैयर सुल्ताना का जोड़ा रोल हों, एक दोस्ती और कुरबानी की लाजवाल कहानी के उत्ते मबनी हों, जो इन्होंने बहुत अच्छे तरीके अदा किया। 1962 फिर एक फिल्म औलाद बनती है, उस फिल्म औलाद दे विच इनू इस तरह का रोल दिता गया कि इन्हें वहीद मुराद दे थप्पड़ चंड मारनी होंगी है, तो वह इसने इतनी जोर दी मार दिती वो चंड या थप्पड़ कि वह जिस वेले फिल्म की शूटिंग खत्म हुई उहदे विच वहीद मुराद की वालदा श्री मुराद भी खड़िया सी उस सैट के उत्ते। जिस वेले शूटिंग खत्म हुई तो श्री मुराद ने जाके नैयर सुल्ताना नूं पुछया कि तू एडी जोर दा थप्पड़ मेरे बेटे नूं क्यों मारिया, और उन्हें अगों कहा कि मैं हकीकत उसनूं बनाना चाहती सी, इस वास्ते उन्हूं मलका जज्बात कहिंदे सी, उह जज्बात दे विच आके उन्हें थप्पड़ चंगी तरह जोर नाल धर दिता। तो वह फिर उसकी वालदा ने गुस्सा किया, लेकिन जिस वेले श्री इन नैयर सुल्ताना ने पुछया उन्हें दस्या कि मैं हकीकत दे विच इस रोल नूं करना चाहती सी, और वह वाकई हकीकत दे विच रोल होया कि वह फिर थप्पड़ जिहड़ा वहीद मुराद नूं जड़िया तो वह काफ़ी मशहूर होया। तो इस तरह इन्होंने जिहड़ा भी इहनूं किरदार मिलदा सी उहनूं हकीकत दे विच बिल्कुल हकीकत बना दिंदियां सी कि यह फिल्म की शूटिंग नहीं बल्कि हकीकत, इस वास्ते इहनूं मलका जज्बात का नाम दिता गया। 19 नवंबर 1974 नूं इहदी एक फिल्म बेहिश्त आती है जिदे हदायतकार होंगे ने हसन तारक, फिल्म साज नीलो शाहत होंगे ने। तो इस फिल्म दे विच इन्हों एक मनफी किरदार दिता गया, वह किरदार यह सी कि इन्हें वह किरदार सस का अदा करना सी, और वह सस ऐसी होंगी है कि जड़ी अपनी नूह नू बहू नू बहुत तंग करती है, जिस तरह अजकल पाकिस्तान दे विच चलदा अगर कोई नूह घर आ जाती है उसकी सस तू भांडे नहीं धोते, तू बिस्तरे नहीं चुके, तू झाड़ू नहीं मारिया, तू लेट पई सुती उठी है लेट, जल्दी उठिया कर, इस तरह उस तरीके दे नाल अज दे दौर दे विच भी बहुआं नू बहुत तंग किया जाता। ससां जड़ियां अगर अपनी बहू नू नूह समझे, उन्हूं अपनी धी नूह नू धी समझे, तो फिर कदी भी यह मसले नहीं बन सकते। अज दी दौर दीआं ससां जड़ियां बहुत बुरियां ने, नूहां नू बहुत बुरे तरीके नाल तंग करदियां, ते नूह जिहड़ी हुंदी आ उह वी किसे दी धी हुंदी आ, ते जिस वेले किसे दी नूह नू अपनी घर लै आवो उहनूं नूह ना समझो, उहनूं अपनी बच्ची समझो, उहनूं अपनी बेटी समझो, उहनूं मुख्तलिफ तरीके नाल तंग ना करो। ते इह वी फिल्म इसे मौजू ते इक सबक मौज फिल्म सी जिहड़ी बनाई गई सी कि किसे उह सस जिहड़ी आ अपनी बहू निशो नूं बहुत बुरे तरीके नाल तंग करदी आ। तो लिहाजा ये फिल्म एक सबक मोह सी, इस मौजू ते बनाई सी लोगों दियाँ जड़ियाँ ससा ने, उन्होंने चाहिए कि अपनी बहुआ ना अच्छा सलूक कर, इस तो एक सबक हासिल कर। 1963 के एक फिल्म बाजी आती है जिदे हदायतकार एस सुलेमान होंगे ने। इस फिल्म के नैयर सुल्ताना एक बेवा औरत का किरदार दिता जाता, जिहड़ी एक कम उम्र बंदे दे नाल उहदी मुहब्बत दे विच गिरफ्तार हो जाती है। इस ने फिर बहुत अच्छे तरीके नाल अदा किया। उनका एक गाना बहुत मशहूर सी, दिल दिल के अफसाने निगाहों की जुबान तक पहुंचे। नैयर सुल्ताना ने टोटल 216 फिल्मों दे विच काम किया, जिहदे विच 140 उर्दू दियां ते 49 फिल्मां पंजाबी दियां कीतियां। ये सारिया फिल्मों का नाम लैना बड़ा मुश्किल आ, 216 कितने गिण होंदिया ने, इन्होंने मैं थोड़ा कुछ चंद फिल्म मोटिया मोटिया दस दिना, उन्होंने नाम दस दिना। इन्होंने 1957 के विच कीती 7 लाख, 1963 के विच कीती दुल्हन, 1965 के विच कीती देवदास, ते एक गुना और सही, मां के आंसू, अयाज, कोरा कागज, घूंघट, एक मुसाफर, एक हसीना। तो इन्हों की आखिरी फिल्म गॉडफादर सी, तो जिदे विच इन्होंने इस्माइल शाह की वालदा का किरदार अदा किया।
ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਸਮਾਇਲ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੌਰਨ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਮੋਟੀ ਸੁਰਖੀ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੀ ਆ ਕਿ ਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੁਰਖੀ ਬਣਦੀ ਆ ਖਬਰ। ਔਰ ਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਈਅਰ ਸੁਲਤਾਨਾ ਨੇ 1962 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਫਿਲਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੇਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਸ਼ਾਦੀ 1980 ਤੱਕ ਰਹੀ ਅਤੇ ਦਰਪਣ ਦਾ ਅਸਲ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੈਯਦ ਇਸ਼ਰਤ ਅਬਾਸ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਦੋ ਬੇਟੇ ਹੋਏ, ਕੈਸਰ ਅਬਾਸ ਅਤੇ ਅਲੀ ਅਬਾਸ। ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਭਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭਰਾ ਸੀ ਐੱਸ ਸੁਲੇਮਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਹਦਾਇਤਕਾਰ ਸੀ। ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਦਾਕਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਸਬੀਆ ਖਾਨਮ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਹ ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਬੀਵੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਬੀਆ ਖਾਨਮ ਅਤੇ ਨਈਅਰ ਸੁਲਤਾਨਾ ਦਰਾਣੀ ਜਠਾਣੀ ਬਣ ਗਈਆਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉੱਨੀ ਸੌ ਅੱਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਦਰਪਣ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਸੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਦੋ ਬੇਟੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਸਰ ਅਬਾਸ ਅਲੀ ਅਬਾਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਭੇਜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ, ਆਲਾ ਤਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਖਰੀ ਫਿਲਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਗਾਡ ਫਾਦਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਫਾਤ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸਮਾਇਲ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਾਂ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਇਸਮਾਇਲ ਸ਼ਾਹ ਇਹਦਾ ਬੇਟਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਫਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਸਮਾਇਲ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਆ ਮੋਟੀ ਸੁਰਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਂ ਦੇ ਜਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟਾ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸੁਰਖੀ ਸਾਰੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਮੋਟੀ ਕਰਕੇ ਲਾਈ। ਨਈਅਰ ਸੁਲਤਾਨਾ 27 ਮਾਰਚ 1992 ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਗਾ ਖਾਨ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਖਾਲਕਿਆ ਕੀਕੀ ਨੂੰ ਜਾ ਮਿਲਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਫਾਨੀ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਅਲ ਫਰਦੌਸ 'ਚ ਆਲਾ ਮੁਕਾਮ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ ਔਰ ਲੋਹਾ ਯਕੀਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਸਬਰੇ ਜਮੀਲ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਅਸਲਾਮੁ ਅਲੈਕੁਮ ਵਰਹਮਤੁਲਾਹਿ ਵਬਰਕਾਤੁਹ।